हम एक साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे ग्राम समाड़ा बैरवा खुर्द बीचपाड़ा से बोल रहे हैं हम। वहाँ पे क्या है, हमारे लिए कोई रोड निकाल रहा है। पहले बोला अंडर पास निकलेगा, वो भी नहीं निकला था, और फिर बोला कि आरसी रोड निकलेगा, वो भी नहीं निकल रहा है। तो एक बात बताओ सर, हम कहाँ पे जाएंगे फिर? हैं, रोड नहीं निकलेगा तो हम किधर होकर जाएंगे? हमारे बच्चे भी हैं, स्कूल भी है, हमारे पूरा रास्ता ब्लॉक है। हमारे मतलब क्या है कि हमारे मरघाट भी उधर ही रहेगा, हमारे स्कूल भी उधर रह गया, तो फिर हम किधर जाएंगे ये बताओ? हमको खाई जाने के लिए जगह नहीं है, हम बिल्कुल गांव में घुटकर रह गए। हम चाहते हैं हमको रोड निकले, प्रॉपर रास्ते दिए जाए, प्रॉपर रास्ता चाहते चले, या तो जो बड़ा पुल बन के वो निकले हमारे पास में। कितनी देर का यहाँ पे क्लिक करता फोटो टीम को ना इस ले गो स्क्रीन ज्ञापन तैयार हो गया? तैयार कर देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। बना रहा हूँ। नहीं बोलो भाई, नारेबाजी करोगे? और भाई हाथ ऊपर कर दो तुम, एक बार जी सर, आज समस्त ग्रामवासी बैरवा रानी सोमाड़ा रास्ते के संबंध में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पूर्व में भी प्रशासन को जिला कलेक्टर महोदय, एसडीओ साहब और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, केसीसी कंपनी का जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, उस एक्सप्रेसवे के कारण बैरवा रानी सोमाड़ा का रास्ता चारों ओर से ब्लॉक हो चुका है। उस रानी के समस्त बच्चे और अदर कोई भी इमरजेंसी व्हीकल अगर लाना हो तो वो भी नहीं आ सकता, वो भी रास्ता बंद होने के कारण। प्रशासन को पूर्व में भी अवगत करा दिया गया इस संबंध में, बट आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जा रहा, आश्वासन दिए गए हैं कि आपको सर्विस रोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने मैप भी दिया है, बट वो आश्वासन झूठा दिया गया है, वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो समस्त ग्रामवासी चाहते हैं कि इनको प्रॉपर रास्ते उपलब्ध करवाए जाए, या अंडरपास जैसे भी पॉसिबल हो उस साइज़ का, जिससे कि इमरजेंसी व्हीकल पास हो सके, बड़े साधन पास हो सके, वो उपलब्ध करवाया जाए। तो मामला तो रास्ते का है, हमारा रास्ता जाम कर दिया किसने? केसीसी वालों ने। और अब हमारी कोई मौकमा सुनावनी नहीं कर रहा, बिल्कुल सुनावनी नहीं कर रहा। हमको साल भर होगी घूमते, हम बहुत परेशान हो गए। आज इसी वास्ते आए और एसडीएम ऑफिस आए हैं। रास्ता जाम करेंगे हम, अब हम रास्ता जाम करेंगे और वहाँ हम पंगा खाएंगे।